पिछले साल इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स का टारगेट अचीव हुआ, उसी के साथ 2000 स्टार्टअप्स फेल हो गए। एक स्टडी ने बताया इंडिया के 90% स्टार्टअप्स 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं, और जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी है उनका भी प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ 58% ही ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो अभी प्रॉफिट कमा रही हैं। इमेजिन, आप किसी बड़े स्टार्टअप कंपनी में काम करते हो और आपको सुबह मेल रिसीव होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि यू आर फायर्ड। India's share chat laid off around 20% of its workforce at a time when startups are under increasing pressure from investors to lower costs. Share chat ke CEO ne kara, unhone kaha ki unhone apni market overestimated kar li thi, jiski wajah se unhe apne 20% employees ko fire karna pada. Aur aise hi Ola ne 2100, Blinkit ne 1600, and Academy ne 1150, aur Byju's ne 1000 logo ko fire kar diya. Kul mila ke dekhe to alag alag startup ne 17,989 employees ko fire kar diya hai, aur aane wale टाइम में ये कंपनीज और भी कई ज्यादा लोगों को फायर कर सकती है। लेकिन अभी भी हम टीवी या सोशल मीडिया पे देखें तो इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के काफी सारे एड्स देखने को मिलेंगे। इन्हें देख के लोग यही सोचते हैं कि ये काफी बड़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इसका उल्टा ही है। ये सारे कंपनीज आज हैवी लॉसेस में हैं। मिसो 498 करोड़, ओला 17,453 करोड़, जोमेटो 812 करोड़ एंड स्विगी ने 1,161 करोड़ का लॉस किया है। इन सबके लिस्ट में ओयो भी आता है, जिन्हें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 3,944 करोड़ का लॉस हुआ है, और इसी वजह से अब नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर मिलना भी काफी कम हो गए हैं। जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसे पिछले साल 26 बिलियन का बड़ा लॉस हुआ था, जिसके बाद से इस कंपनी ने डिसीजन लिया था कि अब से वो इंडियन स्टार्टअप्स में सिर्फ आधा अमाउंट ही इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह और भी इन्वेस्टर्स इंडियन स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। 2021 में जोमेटो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। जोमेटो ने 1.3 बिलियन, इसका मतलब 10,000 करोड़ रुपीस राइज किए अपने आईपीओ से। पर इसके बाद जनवरी 2023 में जोमेटो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक अनाउंसमेंट करी, जहां उन्होंने कहा कि जोमेटो अब 225 सिटीज में अपने सर्विसेज बंद कर देगा, क्योंकि जोमेटो का परफॉर्मेंस उन सिटीज में अच्छा नहीं था। लेकिन जोमेटो तो 1,000+ सिटीज में अपने सर्विसेज सेल करता है, उसके बाद भी 800 से ज्यादा सिटीज में से जोमेटो को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। इनफैक्ट जोमेटो का 60% रेवेन्यू बस 8 सिटीज में से आता है। ऐसी और कंपनी से जिनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ कुछ ही सिटीज से आता है। इतना ही नहीं, ये सारे कंपनी डिस्काउंट देने की वजह से भी आज लॉसेस में है। आप एक ऐप यूज करते हो अपने घर पे ग्रोसरीज डिलीवर करवाने के लिए, अब आप अपने कार्ट पे सारे सामान ऐड करने के बाद आप एक कूपन अप्लाई करते हो, जिससे आपको बिल में 20% का डिस्काउंट मिलता है, और जब ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता तब आप अपने घर के पास वाले किराने की दुकान से अपने सारे सामान ले आते हो। इसी वजह से कई सारे ग्रोसरी स्टार्टअप सफर कर रहे हैं कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करें अपनी मार्केटिंग में, इससे कस्टमर उनका प्रोडक्ट यूज करने लगे, पर जब डिस्काउंट हट जाते हैं तो कस्टमर भी चले जाते हैं। और जैसे जोमेटो और स्विगी का एग्जांपल देखो, ये दोनों एक ही आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही एक कंपनी डिस्काउंट देना बंद करती है तो सारे कस्टमर दूसरे कंपनी के पास चले जाते हैं। और ये कंपनीज खुद का कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं ताकि लोग इनकी ही सर्विसेज को यूज करें। पहले ही इनका करोड़ों का लॉस हो रहा हो या फिर अपनी जेब से पैसे लगाना पड़ रहे हो, लेकिन ये कभी डिस्काउंट देने से पीछे नहीं हटते। इसी वजह से आज ये सारे कंपनीज हैवी लॉसेस में। और अभी कैसे फाइनेंस यूट्यूबर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।